first trek in West Bengal. I'm at the Tiger Hill. And this is for Sundakfu. This is not coming. There's a glacier. Up, that's Tokanri. नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, ये तीनों काम बहुत जरूरी हैं। मैं राज सिंह आप सभी भाइयों दोस्तों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस चैनल पे और सोलोइंग हिमालयस के पहले एपिसोड में। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये जो एपिसोड है, ये जो सीरीज है, खासकर हिमालयन बैकपैकिंग सीरीज के ऊपर होने वाली है, जहाँ पर हम ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, कैंपिंग, हाइकिंग से संबंधित विशेष जानकारी आप सभी भाइयों दोस्तों बहनों को देने जा रहे हैं। साथ ही हम और भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी अपडेट आपको टाइम बाय टाइम किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगी, या तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, नहीं तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, नहीं तो हम यूट्यूब पे वैसे ही अनाउंस करते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी। और साथ साथ अगर आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उस बेल आइकन को टरांग कीजिए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स, जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो, आपके पास खट से इन्फॉर्मेशन आ जाए। वैसे हमारा इंस्टा आईडी है raj.wanderingsoul। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां पर हम आपको लेके चलने वाले हैं समुद्र से तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई और रेगिस्तानी पहाड़ों में, जहां पे जाना हर एक ट्रैवलर का ड्रीम होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लद्दाख। लद्दाख अपनी रिमोट लाइफ, ऊंचे सुंदर पहाड़ों और अपनी ताजी हवा के लिए खासकर जाना जाता है। यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एंड्योरेंस लेवल को चेक करने के लिए। यहाँ पे आप सोलो बैकपैकिंग से लेके एक्सपीडिशन लेवल तक के सारी क्लाइंबिंग कर सकते हैं दोस्त, जिसमें आप स्तोकांगरी, कांग यात्से टू जैसे कई पहाड़ हैं, साथ साथ जंस्कार, पादुम, स्तोकला, काफी और सुंदर सुंदर ट्रैक्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। स्तोकांगरी के बारे में जो है हम आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे कि कैसे मैंने इसको सोलो अटेम्प्ट किया। आज हम बात करने वाले हैं एक खास ट्रैक के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ ठंड में किया जाता है, जहाँ जनवरी फरवरी में लद्दाख कड़ाके की ठंड में नदी नाले टंकियां तक, यहाँ तक की फ्रीज हो जाती हैं, तब कहीं जाके इस ट्रैक का सीजन स्टार्ट होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ चादर ट्रैक की, जहाँ बर्फ के कारण सारे हाई पासेस बंद हो जाते हैं। वहां पर पादुम, जंस्कार के लोग इस चादर को जंस्कार नदी के ऊपर पैदल चल के आते हैं और यहीं से अपना गुजर बसर करते हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं, ठंड का सीजन शुरू हो गया है, बर्फबारी काफ़ी जगह हो रही है और साथ ही साथ जो है आने वाले थोड़े से समय में चादर ट्रैक का भी सीजन स्टार्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चादर ट्रैक रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सन 2018 में हमने इस ट्रैक को कम्प्लीटली सोलो किया था और जब से हमने व्लॉग्स वगैरह पोस्ट किए, तब से काफ़ी भाइयों दोस्तों बहनों के हमारे पास कमेंट्स आए। वो कुछ लोग तो है जो हमसे खासकर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे कि भाई आपने इस ट्रैक को सोलो कैसे किया। जैसे गिस्वी के भी जो पूछ रहे हैं कि भाई आपने परमिट कहाँ से लिया, उस बारे में बताइए। जेडी मराठी जी कहते हैं कि भाई आपने इसको कितने पैसे में किया और कैसे किया, उस बारे में जानकारी दीजिए। तकरीबन दो हफ्ते पहले हमारे पास एक काफ़ी अच्छा कमेंट आया मिथेश गवारे जी का, अगर मैं आपका नाम सही से बोल रहा हूँ तो। व्हाट एन अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग जर्नी ब्रदर, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू अ सोलो चादर ट्रैक।
दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वुड लाइक टू नो फ्यू थिंग्स सबसे पहला फूड आइटम्स डिड यू कैरी हाउ डिड यू वेंट अबाउट मैपिंग एंड चार्टिंग द राउट एंड लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है व्हाट वाज योर प्लान इफ थिंग्स वुड टर्न वेरी बैड यू हैव टू बी इवैक्यूएटेड डिड यू हैड एनी हॉस्टाइल एक्सपीरियंसेस सच एज वाइल्ड लाइफ और आइस ब्रेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ दैट ये सारी जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और कुछ और भी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अच्छा दोस्तों खास बात यह है कि ये जो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी फर्स्ट हैंड जानकारी है जहाँ पर मैंने अपने आप को कम्प्लीटली नेचर के हवाले कर दिया था और जितने भी एक्सपीरियंसेस मेरे हो रहे थे ये सारे के सारे हमने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया था ऑन कैमरा काफ़ी सारे ज़्यादा तो कुछ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे कुछ हमने रिकॉर्ड किए थे जो हम आपके साथ वीडियो के साथ साथ शेयर करते जाएंगे अच्छा कुछ और भी है हमने इस जो पूरे वीडियो को एक पैटर्न के थ्रू में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने कुछ जो है आपके लिए बेसिक पॉइंट्स वगैरह लिख के रखे हुए हैं जिनको हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं अब ये हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो और एक बात है अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या सोलो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं इन जनरल ट्रैकिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि चादर अटेम्प्ट करना चाहते हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो फ्यूचर में कोई भी ट्रैक प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर यहाँ से लेके जाइएगा आज के इस वीडियो में तो चलिए सबसे पहले इस जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हम उनको पहले नोट कर लेते हैं किन किन बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहला चादर की हम जो है एक ओवरव्यू लेंगे आपको पहले समझ लेना होगा कि चादर एक्चुअली है क्या आप लोग में से काफी लोग ऑलरेडी इसे जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे तो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दूसरा चादर ट्रैक के लिए आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी काफी सॉलिड तो आपकी प्री ट्रैक प्रिपरेशंस क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे आपको कौन सी डेट में जाना चाहिए आपको फ्लाइट्स वगैरह अगर आपने बुक करनी है कितना समय आपको इस सब चीज़ों के लिए देना पड़ेगा और खासकर चीज़ें जो आप यहाँ से कैरी करके लेके जाओगे जैसे आपका जैकेट्स हो गया खाने का सामान हो गया ये सारी चीज़ें आप एक बार लेह पहुँच जाते हैं तो लेह से लेके जो आपका एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट से लेके लेह टाउन तक जाना उसके लिए आप बजट में कैसे जाएं इसके बाद आप एक बार लेह पहुँच जाते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्त मेरे कि जो लेह है तकरीबन ऑलरेडी 3,500-4,000 meters की ऊँचाई पर बैठा हुआ है तकरीबन आप मान के चलिए 11,000-12,000 feet की ऊंचाई पे तो जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं आप मान लीजिए दिल्ली से आ रहे हैं मुंबई से आ रहे हैं तो उनको जो है सिकनेस महसूस होने लगती है सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं जिसको आप AMS वगैरह बोलते हैं ठीक है तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें या मैंने कैसे अवॉइड किया ठीक है उसके बारे में बात करेंगे अब एक बार आप ले पहुँच जाते हैं तो अब यहाँ से आपकी जो है सेकेंड प्री ट्रैक प्रिपरेशंस स्टार्ट होने वाली हैं जिसपे आप यहाँ पर जो है लोकल कुछ खाना वगैरह परचेज कीजिएगा एक दिन पहले ठीक है और कुछ कपड़े अगर आपको चाहिए कुछ और सामान चाहिए जैसे गम्बूट्स वगैरह हो गया ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपको परमिशंस वगैरह कैसे लेनी है क्योंकि आपको ट्रैक करने से पहले एक परमिशन लेने की ज़रूरत होती है उसके बाद जो आपका ट्रैकिंग पॉइंट है जो आपका बेस पॉइंट है जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसके लिए आपको कैब बुक करनी पड़ेगी अब ये तो है नहीं कि बॉस अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो यार आप 5,000 की कैब बुक करके आप 200 किलोमीटर जाइएगा तो किस तरीके से इसको सस्ते में बुक किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे अब एक बार आप ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो कहानी दोस्त मेरे यहाँ से जो है सस्पेंस स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ से जो है ना सारा नज़ारा ही चेंज हो जाता है पहला दिन आपके लिए हो सकता है ईजी हो तो दूसरा दिन एकदम ही खतरनाक हो सकता है तीसरा दिन अगर आपका ईजी हो तो चौथा दिन खतरनाक हो सकता है तो ये मान के कभी मत चलिए कि यार अभी तो ये तो पूरा ऐसा ही ऐसा है क्योंकि चादर का जो पैटर्न है अब दोस्त मेरे समझिए कि एक जो है आइस जो है फ्लोटिंग आइस है वो पूरी जमी हुई है मतलब कि पूरा पूरी की नदी जो है जमी हुई है कई जगह पर आपको ये ब्रोकन पैचेस मिलेंगे कई जगह पर वेदर चेंजेस मतलब कि अगले दिन अगर मान लीजिए वेदर चेंज होता है तो ये आइस पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं तो ये सारी बातें आपको किस तरीके से यहाँ पर रहना है टेम्परेचर को किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है अपनी सेहत को किस तरीके से ध्यान में रखना है कैंपिंग वगैरह कहाँ पर करनी है तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं हम चादर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में
अब दोस्त मेरे, चादर जो है ज़ंस्कार नदी जब फ्रीज हो जाती है जनवरी और फरवरी के महीने में, तब ये जाके ट्रैक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो है ज़ंस्कार में रहने वाले लोग, जो निराक में रहने वाले, लिंगशित में रहने वाले, पादुम में रहने वाले लोग, जब ये पूरा हाईवे जो है जहाँ पर पूरी बर्फ जम जाती है 10-10, 15-15 फुट की, तब ये जो है आइस हाईवे काम में आता है। अब इसको लोग जो है, लोकल्स वगैरह जो है, इसे यूज़ करके आते हैं लेह सिटी में, और ये काफ़ी समय से ये जो है राउट यूज़ किया जाता है लोकल्स के द्वारा, ट्रेड रिलेटेड भी। पिछले तकरीबन 7-8 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैक हो गया है। यहाँ का जो टेम्परेचर है दिन में तकरीबन -17 डिग्री रहता है, और शाम को, रात को, देर रात को, कहने का मतलब जैसे ही रात ढलती जाती है तकरीबन 12, 12:30, 1, 2, 2:30 बजे के आसपास ये टेम्परेचर डाउन होके तकरीबन -30 से लेके -35 तक चला जाता है। अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई चाकू भोंक रहा है, ऐसी फीलिंग आती है रात के तकरीबन 2:30-3 बजे। इसको जो करने का सीजन जनवरी से लेके फरवरी तक होता है, तकरीबन 1 महीने की जो है मेन विंडो होती है जहां पर लोग इसे ट्रैक करते हैं। अब आपको कैसे चूज करना है, जहां तक मेरा समझना है ये ऑल्टरनेट सीजन चलता है। अगर मान लीजिए आइस जो है आपकी जमी हुई है सही है जनवरी में, तो नेक्स्ट टाइम आप कीजिए उसे फरवरी में, जो है वेदर चेंजेस के कारण। तो मैंने जब किया था, मैंने सिर्फ 3 या 4 फरवरी के आसपास किया था। देखिए, हो सकता है, अब ये मैं आपको श्योरिटी नहीं देता हूँ क्योंकि यार नेचर है, नेचर कभी भी चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो आप तकरीबन एंड ऑफ जनवरी के आसपास का समय रखिए अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। अब इसको करने के लिए दोस्त, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से या मुंबई से जाते हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, भारत के किसी कोने से जा रहे हैं, पहुंचने के लिए अगर आपको एयर राउट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप तकरीबन 10 से 12 दिन का समय, अगर आप एमेच्योर हैं तो आप अपने साथ इतना समय लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए अगर कुछ चीज़ें इधर उधर भी होती हैं या फिर आपको एक्लमेटाइजेशन के लिए 1-2 दिन का समय लगता है, तो वो आपके लिए काम में आने वाला है। अब जैसे मैंने बुक किया था, मैंने अपनी 10 दिन की छुट्टी अप्लाई की थी अपने ऑफिस से, और उसके बाद इस ट्रैक को करने के लिए गया था मैं। हालांकि ये ट्रैक मैंने जो कंप्लीट किया था, तकरीबन 5 दिन के अंदर मैंने इस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया था, जो कि लेह टू लेह की बात कर रहा हूँ मैं। 5 दिन लेह सिटी से लेह तक वापस आया था मैं। वो कैसे आया था मैं सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये तो था दोस्त छोटा सा ओवरव्यू चादर ट्रैक के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम हमारी जो प्री ट्रैक प्रिपरेशंस है। काफ़ी लोग जो हैं आप लोग में से मेरे से पूछ रहे थे खासकर ये सवाल कि आपने क्या क्या कैरी किया, आपने खाना कौन सा कैरी किया, तो उन लोगों के लिए भाई ये खासकर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा, पहला जो है हम इस पार्ट को 2 भाग में बांटेंगे। एक जो है हमारा जो आपके बेस जहाँ से आप फ्लाई करने वाले हो, फ्लाइट में आप क्या है कि ओवरलोड तो सामान लेके जाओगे नहीं, ठीक है, कुछ सामान आपको वहाँ पर भी परचेज करना पड़ेगा, तो फ्लाइट में तकरीबन 17 kg का ही सामान आप लेके जाओगे। और ये नहीं है कि यार आप 25 kg का या 30 kg का बैग लेके आप पैदल चल रहे हो, तो ये भी नहीं करना है आपको। एक मिनिमलिस्ट तरीके से इसको कैसे करना है अच्छे से, अब अपने साथ जो है अपने सामान की लिस्ट बनाइए, ठीक है, आपको जो यहाँ से कैरी करना है। अब इसमें सबसे पहला आता है आपके पास बैकपैक। देखिए दोस्तों, बैकपैक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये समझिए कि आपको क्लाइंब तो नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन आपको पैदल चलना है, और जब तक आपके पास एक सिक्योर्ड बैकपैक रहेगा ना आपके साथ, आपके शरीर में आपका एक अंग बना रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और अच्छा बैकपैक है तो आप अच्छे से सामान वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं डॉयटर का एक्ट लाइट यूज़ करता हूँ, तकरीबन 65 लीटर का है, 65+10 का है, तो आपका 65 से 75 लीटर तक वो जा सकता है, तो उसमें आप सामान वगैरह काफ़ी कुछ रख सकते हैं। बैकपैक अगर आपके पास नहीं है तो डिकैथलॉन वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा डॉयटर वगैरह के बैकपैक देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। डॉयटर का ट्रेडिशनल स्टाइल है, लेकिन बैकपैक्स जो हैं लॉन्ग लास्टिंग हैं। एक्ट लाइट मैं यूज़ करता हूँ, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। शायद 65 लीटर वाला बंद हो गया है, अगर आपके साथ और भी कोई मतलब कि रेलेवेंट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े आपको क्या क्या कैरी करने हैं, तो देखिए काफ़ी लोग जो है डाउन जैकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, और डाउन जैकेट्स कहने का मतलब बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, तो हमारे पास इतना तो बजट था नहीं, तो हमने अपने आप को क्या किया, लेयर्स वगैरह में कवर्ड कर लिया। अब मैंने जो है अपने साथ
दो जैकेट जो कि अच्छी जैकेट थी, जो कि आप विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग जैकेट्स की बात कर रहा हूँ, तो हमने अपने साथ दो ट्रैकिंग जैकेट्स लेके चल रहे थे, हम साथ में हम अपने साथ दो लाइनर लेके चल रहे थे, एक फुल स्लीव टी शर्ट लेके चल रहे थे और साथ साथ और भी एक अद्धी टी शर्ट लेके चल रहे थे। ये तो था हमारा ऊपर का तामझाम। साथ साथ हम अपने साथ एक लेयर जो डिकैथलॉन में आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, वो लेयर वाले हमने एक ग्लव्स खरीद के रखे हुए थे डे टाइम के लिए, जो कि हम दिल्ली से लेके गए थे। इसके साथ साथ हमने जो है कैप्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, कैप वगैरह रखी हुई थी, तो कैप हम अपने साथ दिल्ली से लेके गए थे। और क्या क्या लेके गए थे दोस्तों, बॉटम के लिए आप लाइनर्स लेके चलिए, जैसे कि हमने अपने साथ जो रखे हुए थे 3 लॉन्ग पैंट्स रखे हुए थे, अब जिसमें हमारा एक हमारे पास थी स्की पैंट जो कि अंदर से वॉर्म होती है और ऊपर से जो है वाटरप्रूफ होती है, तो एक हमने वो रखा हुआ था। एक हमने रखे हुए थे रनिंग लाइनर्स और एक रखा हुआ था हमने और ट्रैकिंग पैंट। जैसे आपको मतलब कि तीनों ज़रूरत एक बार में नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही रात ढलती है, आप जैसे ट्रैक कर रहे हैं उस समय आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही रात ढलती है उस समय आपको ये सारे के सारे कपड़े जितने भी आप लेके चल रहे हैं आपको सारे डालने पड़ेंगे, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो। टॉवल अगर आप कैरी करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो है डिकैथलॉन वगैरह से टॉवल खरीदते हैं, तकरीबन 200-400 रुपये के टॉवल आते हैं, वो माइक्रोफाइबर वाले। दोस्त मैं आपको उससे अच्छा सजेस्ट करूंगा, मार्केट में जाइए, 30-40-50 रुपये का गमछा मिलता है अंगोछी, उसको खरीद लीजिए, इजी टू ड्राई, बहुत कारीगर है, कॉटन है, स्मेल नहीं आती है। जो माइक्रोफाइबर है अगर आप उसको हल्का सा भी गीला छोड़ दीजिएगा अंदर ना, तो उसमें से काफ़ी बेकार सी स्मेल आने लगती है। इससे अच्छा है कि आप गमछा खरीद लीजिए, अंगोछा खरीद लीजिए मार्केट से, वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, कॉटन का बना होता है और सूखता भी बहुत जल्दी है, तो लाइट वेट, ईजी टू कैरी और कम पैसे में लगने वाला। और इसके साथ साथ हमने सॉक्स वगैरह अपने साथ रखे हुए थे। शूज़ खासकर बहुत काम में आने वाले हैं आप लोगों के। शूज़ जो मैं यूज़ कर रहा था, सैलोमन के GTX यूज़ कर रहा था, GTX अब मेरे को याद नहीं है, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग की, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ कीजिए। अब देखिए, अगर आप एक बार अच्छे किसी गेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा, खास बात, अगर आप कोई भी शूज़ ले रहे हैं ट्रैकिंग के पर्पज़ के लिए, तो हमेशा जो है अपने साइज से, मान लीजिए कि अगर आप साइज 8 पहनते हैं, जो ट्रैकिंग बूट्स होते हैं वो तकरीबन एक साइज़ हमेशा बड़ा होता है, ताकि जो है आप पत्थर से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपके जो अंगूठा है वो ना बचे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका टेंट, तो मैं जो कैचुआ का 1-man या 2-man टेंट मान लीजिए वो यूज़ करता हूँ। अब उसमें क्या है कि मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है और ज़्यादा भारी भी नहीं है। टेंट आप लेते हैं तो एक बेस लाइनर भी लीजिए। अब मैं जो बेस लाइनर यूज़ करता हूँ, बेसिकली आपका स्टेशन पे मिलता है 10 रुपये की प्लास्टिक शीट लंबी सी, उसको यूज़ करता हूँ, लंबी चौड़ी मतलब कि तकरीबन 10x10 के आसपास की शीट होगी, वो यूज़ करता हूँ, और वो भी हमने तकरीबन 2018-17 में ख़रीदी थी, वो आज तक हमारी चल ही रही है। तो अगर आपको वो भी ख़रीदना हो, काफ़ी लाइट वेट है, तो इस बात का भी खास है, क्योंकि बेसिक आपको लाइनर चाहिए ताकि आपका जो है नीचे टेंट जैसे सुबह उठाइएगा तो कहीं गीला ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि पैकिंग अगर आप करते रहेंगे। अब आते हैं भाई स्लीपिंग बैग के ऊपर। अब स्लीपिंग बैग में भी आपको एक बैग से आपका काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या किया हमने, पहाड़गंज गए हम, वहाँ पर एक स्लीपिंग लाइनर खरीदा जो कि एक फ्लीस लाइनर है, पतला सा, वो भी स्लीपिंग बैग जैसा ही होता है, वो एक मान लीजिए कि एकदम पूरा का पूरा हेड तक होता है, वो सारा का सारा आपका कवर कर लेगा। और दूसरा जो हमने पहाड़गंज से ही खरीदा था, अच्छी सी जगह देख के मेरे को याद नहीं है, एक डाउन हमने वो खरीदा था आपका स्लीपिंग बैग, जो कि तकरीबन मेरे को 1800 या 2000 के आसपास पड़ा था। आज की डेट में ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आज के समय में तो ये मैट्रेसेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी आ गई हैं, आप डिकैथलॉन वगैरह में देखोगे तो आपको वो जो है फुलाने वाली मैट्रेसेस हैं, सेल्फ इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस वगैरह, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका भी खास ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा शार्प एजेस वगैरह पे लगी तो वो ख़राब हो सकती है। 2000-2500 रुपये की मैट वगैरह आती है। मैंने जो खैर ख़रीदा था, मैंने तो सरोजनी नगर से 10mm की PU करके से मैट खरीदी थी। खास बात ये थी भाई साहब, नीचे पत्थर भी रखा उन्होंने, मेरे को पता नहीं लगता था, इतनी सॉलिड मैट थी।
इसके बाद लोग बोलते हैं यार आपको ट्रैकिंग पोल्स वगैरह की भी जरूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्त कि देखिए चादर अगर आपको ट्रैक कर रहे हैं आप ट्रैकिंग पोल्स ना ही यूज करें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ खुले रहते हैं ना तो पेंगुइन चाल वहां पर चलनी है। अब आप ट्रैकिंग के हिसाब से अगर वहां पर गाड़ते चलिएगा ना तो आपका काम नहीं बनने वाला है। तो अगर आपका हाथ फ्री है तो आप बड़े आराम से अपने बॉडी मूवमेंट है उसको कर सकते हैं। डंडे के सहारे अपने आप को बैलेंस करने से अच्छा है कि आप अपने शरीर को खुद बैलेंस करना शुरू कीजिए, वही आपके लिए कारगर होगा पूरी चादर में। अच्छा, पानी के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, तो पानी आप अपने साथ तकरीबन दो बॉटल कैरी कीजिए एक एक लीटर की, तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। एक अपने साथ सेफ जोन में रखिए, दूसरा आप जो है रेगुलर यूज के लिए आप वो कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ हो गया भाई साहब, अब खाने पीने की बारी आती है। तो खाने पीने के लिए दोस्त आपको एक तो अपने साथ आपका किचन कैरी करना पड़ेगा, जो मैंने स्टील के जो वो नहीं आते जार आते हैं उसको लेके मैंने एक बड़ा जार, एक छोटा जार और एक हमारा जो है कैंपिंग स्टोव, बियर कैन स्टोव हमने बनाया था, उसकी भी वीडियो हमने डाली हुई है किस तरीके से आप घर पे बैठे आराम से एक फुल फ्लेजेड ट्रैकिंग स्टोव बना सकते हैं जो कि तकरीबन आपका 5000 मीटर से भी ऊपर काम करेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 2016 से जो हमने इसे बना के रखा हुआ है वो आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है। और किस चीज़ का है तो एक सिर्फ बियर के कैन का, किंगफिशर के कैन का है। अब खाने का सामान, खाने का सामान जो आप दिल्ली से कैरी करने, जैसे हम तो दिल्ली से कैरी कर रहे थे, तो खाने का सामान हमने क्या क्या कैरी किया। एक तो हमने पैक्ड फूड थे जो कि हमने कुछ यहाँ से ले लिए थे। अब लेह में मेरे को मिले ना मिले, इससे बेटर हमने यहाँ पर जो भी है पैक्ड फूड ले लिया, जैसे आपका नूडल्स वगैरह हो गए, स्पेगेटी वगैरह हो गए, ये सारा हमने रख लिया। लेकिन दोस्त इतने से न्यूट्रिशन तो नहीं मिलने वाली है ना, तो हमारा जो है पंजाब में बनता है भाई साहब ठंड के समय में पंजीरी या फिर पिन्निया बोल लीजिए, तो हमने जो है हमारी माँ ने काफ़ी अच्छे से हमें सिखा के रखा हुआ और काफ़ी समय से हम इसे बनाते आ रहे हैं। तो जैसे भी ठंड का समय स्टार्ट होता है तो हम पंजीरी वगैरह बनाने लग जाते हैं। अब पिन्निया बनाने में काफ़ी समय लगता है और उसमें काफ़ी कुछ तामझाम है, तो हम पंजीरी से काम चला लेते हैं। तो हमने क्या किया, तकरीबन 2 किलो पंजीरी हमने बनाई और उसको सारा पैक करके हमने अपने 3 भागों में उसे डिवाइड कर दिया। अब 3 भागों में इसलिए क्योंकि अब एक बार बड़ा डिब्बा तो नहीं निकालोगे ना, तो एक वेट मैनेजमेंट भी हो जाती है आपका इधर उधर ना हो, और दूसरा एक आपके पास छोटा डब्बा रहता है जिसको आप फ्रीक्वेंटली जो है आप निकाल के आराम से खा सकते हो। तो हमने इसे 3 डब्बों में ट्रांसफ़र किया और पैक कर लिया। उसका खास बात यह है कि उसमें एक तो मैं थोड़ा सा स्वीट टूथ हूँ तो मेरे को मीठा पसंद है, दूसरा मीठे से एनर्जी बहुत मिलती है, और उसमें खासकर जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी मात्रा में अगर आप खुद बनाइएगा तो मैं तो यार रज के डालता हूँ उसमें, काजू हो गया, बादाम हो गया, जितना भी कुछ है ना मैं उसमें रज के डालता हूँ ताकि गर्मी उससे मिल सके। और एक बार अगर आप खाइए तकरीबन 2 कटोरी अगर आप खा लीजिए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा जो है पेट भर जाएगा। तो ये ट्रिक मैं करता था। साथ साथ हमने अपना सारा जो हमारे स्टील वेयर था जिसमें हम खाना वगैरह बनाने वाले थे उसको हमने पैक कर लिया। और ये सारा तामझाम जो हमें पड़ा कितने का, मतलब कि जो हमारा कुकिंग सेट वगैरह है मुश्किल से 150-200 रुपये का। अब खाने में और क्या क्या आप परचेज कर सकते हैं, अब यार आप सत्तू कैरी कर सकते हैं। सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है और आप मानिएगा नहीं, जंस्कार के जो लोकल लोग भी हैं ना वो भी सत्तू अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अगर आप आटा कैरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिट्टी बना सकते हैं। अगर आपको लिट्टी वगैरह नहीं भी बनानी है दोस्त, अगर आप इतने ज़्यादा लेजी हैं तो अपने साथ कुछ प्याज कैरी कर लीजिए, थोड़ा सा नमक कैरी कर लीजिए, ठीक है, ग्लास कैरी कर लीजिए। ये 3 चीज़ों में आपका काम निपट जाएगा। कैसे, सत्तू को डालिए थोड़ा पानी में, उसमें डालिए थोड़ा सा नमक, अगर आपके पास जीरा अजवाइन वगैरह ये सब कुछ है तो उसको डाल लीजिए, उसके साथ घोलिए और उसको पी जाइए। पीने के बाद भाई साहब वो इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि आपको भूख लगने की वो टेंशन नहीं है। और दूसरा सत्तू की खास बात ये है कि सत्तू आपको अच्छी खासी एनर्जी देता है, मतलब कि एक अच्छा न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को मिल रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। साथ के साथ आप जैसे सुबह सुबह टैक्सी स्टैंड वगैरह पे पहुंचते हो तो वहाँ पर पराठे वगैरह पैक करा लीजिए, पहले दिन का काम आपका पैंती हो जाएगा, मतलब कि पहले दिन का खाने की आपको टेंशन नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन तो जो आपका कैंपिंग में गुजरने वाला है, तीसरे दिन भी आप पहुँचेगा निराग तो वहाँ पर भी आपको खाना मिल जाएगा। तो उतना कैरी कीजिए और थोड़ा सा एडिशनल कैरी कीजिए कि अगर मान लीजिए जैसा मितेश भाई साहब ने बोला कि इवैक्यूएशन की सिचुएशन अगर पड़ जाती है तो आपके पास कम से कम आप इधर उधर जाइए नहीं खाना मांगने के लिए। मेरे को काफ़ी लोग आते थे कि भाई खाना ले लो, तो मैं मना कर देता था हाथ जोड़ के। एक तो मेरे को ट्रैक लीडर मिल गया था
ठीक है, मजा है ना, एडवेंचर तो ये है। के साथ ही खाना खाओ, तो मेरे को एक दो बार उसने खाना खिलाया, और बाद में जब पहुंचा नंदेनाग तो वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था सेम डे, तो उसने मेरे को इनवाइट किया, बाकी जो पोर्टर्स वगैरह हैं उनसे वगैरह मिलवाया, काफ़ी देर बातचीत वगैरह की, मैंने अपना कैंपिंग स्टो वगैरह शो किया, काफ़ी कुछ मतलब कि वो है कि आप खाना कैसे बना रहे हो ये सब वो है, तो वो मेरे को मतलब कि टाइम बाय टाइम मिलता रहता था भाई, और फुल मस्त है, मतलब कि लद्दाख के लोग जो है ना वैसे बहुत जॉली मूड के हैं। इतना सब आप समझ गए कि भाई साहब हमने क्या क्या सामान अपने साथ कैरी किया। अच्छा, खाने का सामान जो है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, हम ले जाके और भी अपने साथ परचेज करने वाले हैं। अब हमने कैंपिंग रिलेटेड अपना सारा सामान पैक कर लिया है, लेकिन एक चीज़ जो है हमने अभी तक पैक नहीं किया, वो है कैंपिंग फ्यूल। अब अगर आप फ्लाइट में चल रहे हैं तो आपको जो है कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस तो आप कैरी नहीं कर सकते हैं, लिक्विड वगैरह, तो उसके लिए क्या है, आपको लेह से वो परचेज करना पड़ेगा। अब ये जो बियर कैन स्टोव है इसमें यूज़ होता है वाइट अल्कोहल, जिसको आप थिनर भी बोल सकते हैं, तो वो आपको बड़े प्यार से आपको लेह में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है ना, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए, उनसे बोलिए, वो आपको जो है 90% वाला जो है आपको वाइट अल्कोहल दे देंगे, और आपको 5 दिन के लिए ज़्यादा नहीं, 300 ml 400 ml आपके पास है तो समझ लीजिए कि एकदम सफिशियंट है 5 से 7 दिन के लिए। अगर आप ये नहीं भी कैरी करना चाहते हैं तो उसका भी ऑल्टरनेटिव है जो हम अभी बताने वाले हैं। अच्छा, इतनी सारी प्रिपरेशंस हो गई आपके पास, सारा कुछ तामझाम आपका हो गया, अब आप अपने फ्लाइट पकड़ी और आप पहुंच गए लेह, ठीक है। अब लेह में जैसे ही पहुंच गए तो दोस्त थोड़ा सा जैसे है आराम आराम से बाहर निकलिए, और जो है ब्रीथ करने की, नॉर्मल ब्रीथ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली गाइडलाइन मैं आपको यही दूंगा, ठीक है, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग जो है आपके लिए बहुत फलदायी होगी, नहीं है तो किसी एक जगह बैठ जाइए, ठीक है, और बैठ के थोड़ी देर हल्के हल्के कपाल भाति कर लीजिए या अनुलोम विलोम कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एक बार आप ये कर लेते हैं तो आप एक बार न्यूट्रल मोशन में आ जाइएगा। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं एयरपोर्ट से तकरीबन 1/2 किलोमीटर, तो वहां पर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां से टैक्सी आपको लेगी, सिर्फ 10 से 15 रुपये आपको मेन लेह मार्केट में उतार देगी, ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे टैक्सी एकदम एयरपोर्ट से तो वो आपसे अनाप शनाप पैसे लेंगे, हो सकता है 200-500 कुछ भी ले सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा आगे पैदल चलिए अगर आप सक्षम हैं तो, और आगे जाके जो नॉर्मल टैक्सी वगैरह है, शेयर टैक्सी वगैरह है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार लेह में पहुंच गए, अब यहाँ पर अपना आप कहीं भी जाइए, अगर आपने होटल वगैरह बुक नहीं किया है, आपने अपना धर्मशाला वगैरह या जो कुछ भी है आपने बुक नहीं किया है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कहाँ पर बुक करना है। अब जहाँ तक बात है कि मेरी, तो तकरीबन 2016 में मैं एक बार पहले भी लेह गया था और लद्दाख गया था, काफ़ी कुछ घूम के आया था वहाँ पर, तो मेरे को एक लड़का मिला था रास्ते में जो कि काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया, नमगेल। तो नमगेल के फादर वहाँ पर थे, और तो उसके फादर आए और इतने हम्बल नेचर के थे, मेरा सारा काम उन्होंने मतलब कि एकदम प्रायोरिटी होता है ना कि मेरे को पूरी प्रायोरिटी दे डाली, तो अंकल का बहुत बहुत आभार, और नमगेल हमारे दोस्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे इस ट्रैक को करने में काफ़ी हेल्प की अपने ना होते हुए भी। अच्छा, हम एक बार वहाँ पर पहुँच गए, आप अपना होटल वगैरह बुक कर लीजिए, इसके बाद जो है आपके पास पूरा दिन का समय जो है आप प्लानिंग के, आपकी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम अपने साथ जो है हमें क्या क्या सामान लेह से ख़रीदना है, ठीक है, आप वहाँ पे एक दिन स्टे करना चाहते हैं या 2 दिन स्टे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब अपना ट्रेक स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, मैंने नेक्स्ट डे ही स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रैक। आपको कुछ चीज़ें अब यहाँ पर वो करनी है, एक्सपेडाइट करनी है, आपको ट्रैक का जो है परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट कहाँ से मिलता है, तो वाइल्ड लाइफ, लेह वाइल्ड लाइफ से आपको परमिट मिलेगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको ऑफिस बड़े आराम से मिल जाएगा, पैदल चल के भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाइए और जो है उनको एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मैं इसे सोलो करना चाहता हूँ, जो वहाँ का है बंदा आपको स्टैंप वगैरह लेगा। परमिशन को लेने के लिए तकरीबन 2000 रुपये लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको जाना कब है, कल जाना है, परसों जाना है, उस हिसाब से आप अपनी टैक्सी बुक कर लीजिए। हमने तो कल एक अगले दिन ही निकलना था, तो हम गए मेन टैक्सी स्टैंड पे, जो कि आपका लेह एकदम सेंटर में मार्केट में ही है,
तो वहाँ पर हमने दो चार लोगों से बात की। वहाँ पर जाने के बाद पता लगा कि भाई यहाँ पर जो है काफ़ी टेम्पोज वगैरह जो है बड़े बड़े टेम्पोज जाते हैं जो कि जो चादर से रिटर्न हो रहे हैं उनके लिए। तो हमने उनमें से किसी से बात की तो उनको हमने पे किया तकरीबन 500 रुपये इंडिविजुअल के। अब वो पूरा का पूरा वैसे ही खाली जा रहा था टेम्पो, उसने हमें बैठा लिया तो उसके तो 500 वैसे ही बन गया। और आपका क्या है कि आप बड़े आराम से विंडो सीट पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, उसके बाद आपका जो है पूरी एक गाड़ी आपको अकेले लेके जा रही है, उसका भी अलग एक्सपीरियंस है। तो हम अलग अलग जगह पे रुके थे, कहीं चाय पीने के लिए रुके, किसी पुराने घर में रुके, लोकल के घर में हम थोड़ी देर रुके बैठे, उन लोगों से बातचीत की, क्योंकि रास्ता जो है ना काफ़ी टूटा फूटा है और उसे कवर करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो ये जो सारी जर्नी है हमने स्टार्ट की थी सुबह सुबह तड़के तड़के, सूरज उस समय निकले भी नहीं थे सूर्यदेव। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको सारी प्लानिंग जो है ना स्टार्ट करनी पड़ेगी अच्छे से। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो भी देखेगा आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। अभी तक आप इतनी सारी बातें समझ चुके हैं, अब अपने दो काम अपने अपने मेन इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। पहला काम अपने आपने अपना जो है ट्रैकिंग परमिट ले लिया वाइल्ड लाइफ से, ले वाइल्ड लाइफ से, और दूसरा आपने अपनी जो है टैक्सी बुक कर ली। अब आपका जो है मेन काम अभी थोड़ा सा और बाकी है, वो क्या है कि आपके जो है सामान वगैरह आपको जो खरीदना है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं मेन लेह मार्केट से। अब सामान में क्या क्या है तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिलिट्री शॉप्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे वाले ग्लव्स जो हैं 40-50 रुपए में मिल जाएंगे। सॉक्स जो हैं आपको, वुलन सॉक्स जो आर्मी यूज़ करती है, वो आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल सकता है। हैट्स वगैरह आपको कुछ परचेज करनी है तो वो आपको बड़े आराम से यहाँ से मिल सकता है। मफलर जो है, आर्मी का मफलर बड़ा प्यारा होता है भाई, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं बड़े सस्ते में खरीद सकते हैं डिकैथलॉन वगैरह या फिर किसी भी एक्सपेंसिव शॉप से खरीदने से अच्छा है कि आप लेह एक बार पहुंचिए और लेह से ये सारा सामान खरीद सकते हैं। दो फायदा है, एक आपके पैसे कम लगेंगे, दूसरा आप जब यहाँ से फ्लाइट में बैठोगे अपनी मेन मतलब कि बेस से तो आपको फ्लाइट में भी कम सामान लेके कैरी करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब मान लीजिए कि आपसे यार वो कैंपिंग स्टोव नहीं बनाया या फिर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दिल छोटा मत कीजिए दोस्त, यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो आपको केरोसिन स्टोव भी मिल जाते हैं 500-600 रुपए में, तो वो आप पता कर लीजिए वहाँ पर मिलिट्री शॉप्स में, काफ़ी सारी मिलिट्री शॉप्स हैं। साथ साथ गमबूट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो गमबूट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। गमबूट्स वगैरह भी ले रहे हैं या फिर वैसे अगर आप ट्रैकिंग बूट्स वगैरह ले रहे हैं तो एक साइज बड़ा लीजिए। अच्छा, गमबूट्स हमने भी यहाँ से परचेज़ किए, तकरीबन 450 रुपए के हमें गमबूट्स पड़े, लेकिन खास बात ये है जब हम ट्रैक पे पहुंचे तो हमें इन पांचों दिनों में एक भी दिन हमें इस गमबूट को पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे ख्याल से अगर आपकी ट्रैकिंग शूज़ अच्छे हैं तो आपको इन गमबूट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ख़ासकर ट्रैकिंग बूट्स की बात ये होती है दोस्तों, अच्छे ट्रैकिंग बूट की बात, कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। मान लीजिए कि जो मेरा सैलमन का है उसके आगे पूरा का पूरा जो टो कैप है वो काफ़ी अच्छी है, तो एक आपको रबर बॉन्ड देता है कि अगर आपको कुछ इस पर पत्थर लगता भी है तो आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन ये सारी जो सेफ्टी है, ध्यान में रखिएगा, ये सारी सेफ्टी जो है आपको गमबूट्स में नहीं मिलेगी। इतनी सारा आपका कांड हो गया, आपने अपना जो है खाना वगैरह भी ले लिया है, पराठे वगैरह पैक करा लिए हैं, सत्तू वगैरह ले लिया है, गैस वगैरह ले लिया है, केरोसिन वगैरह ले लिया है, जो भी लेना है आपने सारा सामान आपने ले से ले लिया है। अब बारी आती है जिस दिन आप ट्रैक कर रहे हैं उस दिन का खाना जो है ले से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको शेयर टैक्सी वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको तड़के निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो ये टैक्सीज वगैरह हैं 5:30-5:30 बजे तकरीबन चली जाती हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको टैक्सी स्टैंड पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो अपने अपने टैक्सी वाले से बात कर लीजिए, नंबर वगैरह ले लीजिए उनका, ठीक है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आप कर लीजिए। अब आप यहाँ से चलते हैं तो आप पहुँचते हैं 3-4 घंटे बाद आप जाके पहुँचिएगा बेस पॉइंट पर। अब भाई बेस पॉइंट पहुँचने के बाद अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, रियल एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, एक बार आप वहाँ पर ड्रॉप पॉइंट पे पहुँच गए, अब यहाँ से जो है आपका स्टार्ट होता है मेन ट्रैक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं स्लेज का इस्तेमाल करते हैं अपना सामान खींचने के लिए, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमने थोड़ा सा इतना भी जुगाड़ लगाया, नमगेल के फादर ने, अंकल ने हमारी काफ़ी हेल्प की, तो एक हमने DIY करके जो है एक स्लेज बनाने की कोशिश की, कीले वगैरह उसमें गाड़ के।
हालांकि उसको हमने थोड़ी देर यूज किया, आधा किलोमीटर, उसके बाद वो टूट गया। रास्ते में काफ़ी सारे लोग आपको जो वहाँ से वापस आ रहे हैं, जो आपको लोकल्स वगैरह है, वो आपको स्लेज बेच सकते हैं। ये डिपेंड करता है लोकल के ऊपर। वॉक खासकर जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है ना पेंगुइन वॉक, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए कारगर है। हाँ, अगर आप एक आध बार गिरते हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, पैर अपने धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करते हुए आगे बढ़िए। लोग मेरे से ये पूछ रहे कि भाई आप रास्ता कैसे पता करते थे? तो यार जो ट्रैक है, आप ये समझ लिए कि तकरीबन 10,000 लोग से ज़्यादा यहाँ पर आते हैं इस ट्रैक को करने के लिए, और आए दिन जो है यहाँ पर मजमा लगा रहता है। तो ये जो है ना आपको स्लेज के निशान आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको मार्क मिल जाएगा, कहीं तो आपको एकदम क्लियरली ही पता चल जाएगा, और अगर आपको नहीं पता लग रहा है ना तो थोड़ा सा बैठ के देखिए, एंगल वगैरह चेंज करके देखिए, आपको इस बात का ध्यान लग जाएगा कि लोग किस राउट से निकल रहे हैं, अगर आप इनकेस अकेले पड़ जाते हैं तो। दूसरी खास ध्यान में रखने वाली बात है ब्रोकन आइस पैचेस, ठीक है? ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं जगह पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अकेली सिचुएशन में जहाँ पे ये ब्रोकन आइस पैच वगैरह है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो जो है खास ध्यान रखिए कि आप जो है पत्थर के साइड हो लीजिए थोड़ा सा, और पत्थरों के सहारे धीरे 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 करके ना आगे बढ़िए। इसमें एक बात और ये है कि पैनिक सिचुएशन में अपने आपको कभी मत लाइए। पानी जो है बहुत फ्लो में होता है इसके नीचे, और आपको बहुत जल्दी कहीं भी खींच लेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, 2018 में किसी का एक्सीडेंट भी हुआ था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, और 2019 में भी मैंने सुना था यहाँ पर काफ़ी इवैक्यूएशंस वगैरह हुए थे। तो इस बात का खास ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि आप उस सिचुएशन में ना फंसें, आपको पहले से जानकारी हो। अगर आप देखिए रास्ता यार ये तो डिफिकल्ट है, ज़्यादा है तो लेट के थोड़ा सा आगे निकल जाओ यार, लेट के उस चीज़ को वो करो, ग्लाइड करने की कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ो, कोहनी के बल पे बढ़ो, आप किसी भी तरीके से आप वहाँ पर आगे बढ़ो, लेकिन अपने आप को इस सिचुएशन में मत डालो कि आप फिसल जाओ और पानी में गिर जाओ। तो इस बात का खास ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जो आपको कई जगह पे एकदम ही ब्रोकन पैचेस मिलेंगे जहाँ पर आपका पैदल चलना भी मुश्किल है, एकदम छोटी सी जगह भी नहीं आपके चलने के लिए। तो उस केस में आपको जो है रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। उसको कैसे करें, तो उसके लिए भी दोस्त आप एकदम जो है ना अपने आप को सिक्योर करके चलिए, बेबी स्टेप्स लीजिए। मोरेन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या होता है कि मिट्टी के साथ साथ मिले हुए पत्थर होते हैं, अब ज़्यादा आप इस पर कूदिएगा तो ये टूट भी सकते हैं, और एक बार अगर आप गिरते हैं तो आप समझ लीजिए कि 10-12 फुट की ऊंचाई से, तो आप समझ रहे हैं कि आपका नीचे पत्थरों में गिरने के बाद क्या हाल होगा। 2018 में एक लड़का गिरा था मेरे थोड़े पहले, वो पोर्टर था लोकल, वो गिरा था बेचारा, लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी कि उसको कहीं भी मतलब कि थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन ऐसा कुछ ब्रोकन सिचुएशन नहीं हुआ उसके साथ, जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये सब कुछ नहीं हुआ, तो ऊपर वाले का इतना भला था। कैंपिंग वगैरह कैसे करनी है, तो कैंपिंग के लिए भाई देखो सबसे बड़ी बात है ये पूरा एक ही राउट है, ऐसा नहीं है कि इसमें 10 राउट हैं, ठीक है, एक ही राउट है, उसी राउट को पकड़ के सब जाते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिए कि लोकल्स वगैरह से बात करते रहिए। मैं जो क्या करता था, मैं एक छोटा सा आइडिया लेता रहता था, मान लीजिए उधर से कोई आ रहा है या उधर कोई जा रहा है, लोकल जो भी बैठा है, तो मैं उन लोग से पूछ लेता था कि यहाँ से अगला कैंप साइट कितनी दूर है, उससे अगला कैंप साइट कितनी दूर है, तो मेरे को एक अपने लिए आइडिया मिल जाता था। अब लोग बोलते हैं 5 दिन में आपने कैसे कर लिया, तो हमने शुरुआत की थी 11 बजे से, और अगर हमारी जो चाल है, अकेला आदमी है, वो तो चलता चला जाता, और मेरी ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है, कई लोग होते हैं ना थक के बैठ गए। अच्छा, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी लोग जो है ना क्लाइंब वगैरह करते हैं तो मेरे से बोलते हैं यार तुम इतनी देर तक चल कैसे लेते हो, थकान महसूस नहीं होती है? तो एक खास बात है, अगर आप सीजन ट्रैकर हैं तो थकान जैसी चीज़ ना होती, आपके मेंटल वो है, आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है जिसके दिमाग में कि हमको 10 घंटे चलना है, हमको 8 घंटे चलना है, तो उसके लिए थकान की गुंजाइश नहीं है। आपको एक डेस्टिनेशन दिमाग में बैठी हुई है, आपके उस डेस्टिनेशन तक आपको किसी भी तरीके से पहुंचना है, ये आपका मेन गोल है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए आपको थकान महसूस भी होती है, तो दोस्तों ये एक्चुअली फिजिकल थकान नहीं होती है आपकी, ठीक है? काफ़ी लोगों, मेरे को एक लड़का मिला था, लास्ट दिन की बात है, हम आ रहे थे तो
मतलब कि उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। कह रहा अरे भैया मैं तो थक गया, थोड़ी देर बैठ गए। मैंने भाई अभी तो चला है 10 मिनट पहले तो मेरे साथ, अभी तो थकान हो रही है तेरे को, अभी बैठेगा तो पहुंचेगा तो कब। कह रहा अरे नहीं भैया 2 मिनट बैठ जाते हैं। मैंने कहा 2 मिनट का मतलब समझ रहा है, ऐसे 2 मिनट तेरे को हर 10 मिनट पे मिलेंगे, 2 मिनट 2 मिनट करता रहेगा ना तो ये हो गया कांड, क्योंकि हर बार 2 मिनट नहीं होता है। कभी आप 5 मिनट बैठ जाइएगा, बैठने के बाद आपको क्या थोड़ी सर्दी महसूस होने लगेगी, आप 10 मिनट बैठ गए, कोई मिल गया आपसे, आप तब बात करने लग गए, तो ऐसे करके टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होता है। उसके लिए सबसे बड़ा क्या है, अगर आप थकान आपको महसूस हो रही है, जो कि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप बहुत देर तक नहीं चले हैं तब तक आपको यह थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है तो ये आपकी शारीरिक थकान नहीं है, ये आपकी जो है श्वास नली की थकान है। अब उसको दूर कैसे करना है, तो आप जहां पर भी आप हैं दोस्त, कुछ टेंशन मत लीजिए, वहीं पर खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग कीजिए। जितनी देर आप मान लीजिए 10 सेकंड तक आप ब्रीद करते हैं, उसको बड़े आराम से छोड़ना है, ठीक है। ये काम आप सिर्फ 3 बार 4 बार कीजिएगा, आप देखिएगा आपका जो श्वास का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आपको जो आप 1 मिनट पहले जो थकान महसूस कर रहे थे ना, आपकी थकान शून्य हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रामबाण है किसी भी ट्रेकर के लिए। काफी जगह पर आपको जो है टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब उसके लिए क्या है, काफी जगह पर आपको केव्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप 1 या 2 हैं तो आपको छोटी छोटी केव्स वहां पर देखिएगा, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। या तो आप केव्स में छोड़ जाइए, नहीं तो पहले दिन जैसे हमें लगा था कि तकरीबन शाम के 3:30-4 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, डिसाइड किया कि हमने भाई अपना पड़ाव डाल देते हैं। अगर शाम ज़्यादा ढल रही है, ठीक है, तकरीबन आपका 3:30-4 बज गए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्त, इससे अच्छा है कि आप आगे जाओ, नियरेस्ट कैंप साइट पे अपना पड़ाव डालो और रेस्ट करो, अगले दिन फिर निकलो और फिर आगे की तैयारी करो। फिर यही काम दोबारा से दोहराओ, लोगों से पूछो आगे का सिचुएशन कैसी है, आगे कैंप साइट कितनी दूर है। अब जो लोकल्स हैं आपको जो बताएंगे ना, लोकल्स आपको अपने तरीके से बताएंगे कि यहाँ से तो 1 घंटा लगेगा, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा। अब उसमें आप अपना 1 घंटा और ऐड कर लेना, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लोकल पोर्टर्स हैं और इनकी जो गति होती है ना भाई साहब, बड़ी खतरनाक होती है, ये रुकते नहीं हैं, तो सर चलते हैं, तो इनके हिसाब से जो चीज़ 1.5 घंटे में लगती है, आपको हो सकता है 2.5 से 3 घंटे भी लग जाए उस चीज़ को करने के लिए। और दूसरी बात, इनको नॉलेज भी होती है, तो एक नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, ये दोनों इनके काम में आता है, ठीक है। तो इनको पता है कि भाई इतनी दूर चलना है, तो माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है इनका, इतना टाइम लगेगा तो माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है इनका, ठीक है। और शरीर जो है वो इनका उसी हिसाब से ढला हुआ है, तो आप अपने तरीके से जो आप जिसमें सक्षम हैं आप वो काम कीजिए। कई जगह पे आपको ना ब्रोकन पैचेस मिलेंगे, कई जगह पे आपको बोल्डर्स वगैरह क्लाइंब करना पड़ेगा, तो उस चीज़ में खास ध्यान रखिए। अगर आप मान लीजिए कहीं भी शंका में हैं दोस्त कि ठीक है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा है या फिर ये चीज़ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ के ना थोड़ा सा ध्यान कीजिए, शांत दिमाग से, शांत चित्त से। देखिए उत्तेजित मत हो जाइए, जितना आप ज़्यादा उत्तेजित होइएगा दिमाग में बैठा के डर लीजिएगा, अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो डर तो आपको और लगता चला जाएगा, ठीक है। तो डर को हमने मारना है, डर को हमने बढ़ाना नहीं है, तो दिमाग को एकदम शांत चित्त से होके चलिए, और ये समझिए कि आप कर सकते हैं, तभी आप इस चीज़ को कर सकेंगे। जैसे शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो ठंड बहुत लगने लगती है। अब मैंने आपको जो लेयर वगैरह बताए थे, अब इस समय में ना जैसे आप कैंपिंग मान लीजिए कर रहे हैं, तो अब इस समय में आपको वो लेयर्स काम में आने वाली हैं, तो आपके पास जितने भी कपड़े हैं दोस्त, ठीक है, सबको ऊपर डाल लो। अब मैंने क्या किया था, जैसे रात के समय मेरे पास जितने सॉक्स थे तकरीबन वो सारे सॉक्स पहन लिए मैंने, ठीक है। लोग बोलते हैं यार पानी की बॉटल गर्म करके अपने साथ रख लो, तो वो हमने काम नहीं किया, इसलिए हमने अपने सारे साथ जितने भी हमारे सॉक्स थे उसको पहन लिया, ग्लव्स जो थे हमने उसको डाल लिया, 3 जैकेट जो थी साथ में लाइनर था हमने उसको रख लिया, हमारे पास टॉवल था, ये सारा का सारा ताम झाम था ये हमने पहन के, साथ में अपना जो वो क्या नाम है स्लीपिंग बैग का लाइनर अंदर लगा के, फिर स्लीपिंग बैग लगा के, और साथ में जो हम कैरी कर रहे थे अपने साथ मैट्रेस, वो हमारी थी 10 mm की मैट्रेस थी। खास बात ये थी भाई साहब कि नीचे पत्थर भी रखा उन्होंने, मेरे को पता नहीं लगता था, इतनी सॉलिड मैट थी। तो ये सारा का सारा करने के बाद हम
बड़े आसानी से जो है हमने इस ट्रैक को किया। अब आप एक बार नेराक पहुंच जाते हैं तो वहां पर वाटरफॉल वगैरह देखिए, मौसम कैसा है, कैसा चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को एनालाइज कीजिए। आपको लिंगशिट जाना है तो आप लिंगशिट भी जा सकते हैं, नहीं तो आप पादुम जाना चाहते हैं आप पादुम भी जा सकते हैं। लेकिन सोलो में क्या है, पादुम बहुत ज़्यादा दूर है, लिंगशिट तक तो आप कवर कर सकते हैं, पादुम काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और आने के लिए भी आप दोस्त ये ध्यान में रखिए कि आपको जितने चैलेंजेस जाने में लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेस हो सकता है आपको आने के लिए लगे, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक बार लिंगशिप पहुंच जाते हैं या फिर निराग पहुंच जाते हैं, वापस आते हैं तो आप अपने पेस को उसी हिसाब से बनाए रखिए। चैलेंजेस जो हो सकता है आते समय, कहते हैं ना क्लाइंबिंग में, हमारी जो सोसाइटी है क्लाइंबिंग सोसाइटी, उसमें एक बहुत पुरानी कहावत है, जितना आसान चढ़ना होता है ना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उतरना होता है। तो अब ये समझिए निराग में आपको चढ़ाई तो नहीं करनी है, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट आपको पहुँचना है ना उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपकी वापसी हो सकती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, नेचर को है खास ध्यान में रखिएगा, पैटर्न आइस के किस तरीके से चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपकी कितना फेवरेबल है, उस चीज को भी ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप इस चीज को एक जो है अच्छे से कर सकते हैं विदाउट इवैक्यूएशन। मितेश जी ने हमसे ये पूछा था कि यार आपके साथ कोई हॉस्टाइल सिचुएशन वगैरह तो नहीं आई, भाई ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन तो नहीं आई हमारे साथ, लेकिन हाँ एक दो जगह पर हमें, मतलब कि तीन जगह पर हमें, कई जगह पर छोटी छोटी जगह होती थी जहाँ पर चलना पड़ता था, उसमें काफ़ी केयरफुल, क्योंकि बगल में एकदम पानी चल रहा है और मुश्किल से एक फुट की जगह है, आप उस पर चलिए और अगर आप स्लिप किए तो आप पूरा पानी, और अगल बगल मेरे कोई नहीं था तो मेरे को उस चीज़ का बहुत डर था, काफ़ी जगह पे मेरे को ब्रोकन पैचेस मिले। उसके बाद जिस दिन हम निराग पहुंचने वाले थे वाटरफॉल से पहले, वो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ पे पूरा का पूरा वो था, टूटा हुआ था, तो हमें पूरा बोल्डर क्लाइंबिंग करके हमें पूरा उतरना पड़ा, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। एक जगह पे तो भाई, अब चूंकि मैं अकेला था तो पोर्टर्स वगैरह तो आगे निकल गए, अब उस जगह पे क्या हुआ कि उस, अब रिज जो है तकरीबन 8 फुट की वो थी, मतलब कि क्लाइंब थी, 8-6 फुट का तो मैं ही हो गया, 2 फुट और इतनी ऊंची जो है, मतलब कि ऐसे करके हमें जाना था। अब उसमें क्या है कि मोरेन्स वगैरह पूरे हैं, अब कहीं भी सच मेरे को वहाँ पर कोई सीढ़ी वगैरह तो लगा के रखी नहीं हुई थी कि जिसको आप चढ़ जाइए और उस पर नेक्स्ट उस पर आ जाइए, तो उसके लिए आपको है अगर आप रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं तो आपके काफ़ी काम में आने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना बैग रखा कि मैं हल्का हो जाऊँ, बैग को सही से सुरक्षित किया कि एक बार बैग सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि अगल बगल मेरे कोई नहीं था, अगर कोई हो तो आपको ऊपर खींच सकता है, नहीं है तो आपको पूरा का पूरा ये खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वहाँ से वापस आ गए, दोस्त हम तो क्लाइंब नहीं कर पाए इस वजह से, हम मतलब कि समझ लीजिए कि वो लोग जो कि ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी जिनका वो ऑर्गेनाइज कर रही है, वो सारे लोग वापस आए, मेरे से पूछा कि आप कैसे चले गए, तो मैंने उनको सिंपल सा बताया कि भैया थोड़ा सा इधर उधर सामान रखिए, उसके बाद देखिए आप कहाँ पर होल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको दिख जाएगा पैटर्न क्या है, आपको पैटर्न देखने की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए फंस जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं कहने का मतलब आप अकेले पड़ जाते हैं चादर पे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ना गौर से देखिए, आपको आइस पे भी आपको रास्ते दिख जाएंगे, आपको नॉर्मल राउट भी दिख जाएगा, लोग कहाँ से गए हैं, सारा कुछ सारा दिख जाता है, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ना एकदम ऐसे, जैसे होता है ना घोड़े के ऊपर ऐसे पट्टा लगा होता है, सामने ही देखता है घोड़ा, वैसे ही आपको ना पूरा एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ स्पेशली आई थी, और खास जो मैंने खासकर आपको बताया था कि वो चाकू वाली सिचुएशन, वो भी हमारे साथ रात के 3:30 बजे 3:30 बजे भाई वो सिचुएशन आई थी। खाना हमें कहीं कम नहीं पड़ा, पंजीरी हमने तकरीबन अपने साथ 2 किलो के आसपास रखी हुई थी, फिर भी हमने अपने साथ काफ़ी कुछ पैक करके रखा हुआ था। लास्ट डे में जब हम वापस आए तो देखा कि आइस एक काफ़ी मेजर जो पोर्शन था स्टार्टिंग का, जो हम पहले दिन बड़े आराम से हमने भाई ये चादर ये तो कुछ नहीं है पहले दिन, वो पूरा का पूरा भाई पूरा गायब। इतनी सी जगह पे चल के जाना, तो उस समय तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो वहाँ पर ये मनाइए कि भोलेनाथ की दया से वहाँ पर लोकल्स उस समय काफ़ी थे, एक हाथ दिया किसी ने, मैं आराम से क्रॉस कर गया, नहीं तो ऐसी सिचुएशंस पे
आपको ऑल्टरनेट राउट फाइंड करना कर लेना चाहिए, जो कि मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे पास काफ़ी वहाँ पर हेल्पिंग हैंड थे, तो लोगों ने मेरे को हाथ दिया और मैं बड़े आराम से पहुँच गया। तो ये सारी कहानी हुई। इसके बाद हमारी वापसी कैसे हुई, तो वहाँ पर हमको काफ़ी लोग मिल गए, ग्रुप मिल गया, तो वो जान के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि भाई आप अकेले कैसे कर रहे हो, हमारी तो यार इतने में ही हालत ख़राब। तो हमने उसको जो है हमारा मिशन बताया, जो कि हमारा था क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जो हम उसको स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे। तो हमने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जो हमने देखा, मतलब कि चादर ट्रैक पे सबसे लोग जो है ना गंद मचा के रखते हैं। अब किसी को यार बाउल्स पे अपने क्लीन करने हैं तो लोग केव्स वगैरह में जाके करते हैं, कहीं भी बैठ गए चादर के ऊपर कर दिया, मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी, कुछ मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पे शेयर की थी, जो हमारा पेज है, ट्रैवलिंग पेज है, राज डॉट वॉन्टरिंग सोल, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने शेयर की थी। अच्छा, यहाँ पर जो पहुँचा, पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, तो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत वगैरह की जो यहाँ से टेम्पो जाने वाला था, तो एक ग्रुप ने हमें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अकेला आदमी था। साथ साथ पता लगा कि भैया दो और भाई लोग जो हमें साथ में मिले, तो बोले भैया कि अरे हमारा दो कैंप यहाँ पर लगने वाला, लेकिन हम आज जाना चाहते हैं। तो बात की उन लोगों को भी, खैर ले लिया, और हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए। अरे नहीं भैया, आप आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। इतना सब कुछ हो गया भाई, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत आभार आपका। जो टेम्पो वाले ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो एक टेम्पो वाले ने तो रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई हमारे पास बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आगे दिक्कत हो सकती है। तो उनके पास एक्चुअली में बंदे ओवरलोडेड थे, ये जो दूसरा ग्रुप था इनके पास बंदे कम थे, तो इन लोगों ने हमें बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हम लेह पहुँच गए, तकरीबन शाम को 8:30-9 बजे के आसपास पहुँचे, 8:30-9 बजे के आसपास पहुँचे थे लेह। तो जब सब हो गया, तो हमने अपने गमबूट्स वगैरह थे जो हमारे पास रखे हुए थे, जो पूरे ट्रैक में हमसे यूज़ नहीं हुए, वो हमने निकाला। जो उनका ग्रुप लीडर था या ट्रैक लीडर था, जो लोकल था, मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी इतनी सहायता की लेह पहुँचने के लिए। तो ये एक छोटा सा, अब पैसे तो हमसे आप ले नहीं रहे हो, तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारे लिए आपके हो सकता है काम में आ जाए। तो इस तरीके से है जो हमने 5 दिन के अंदर अपना ट्रैक कंप्लीट किया। उसके बाद हम लेह में थोड़ा सा हमने अपना टाइम स्पेंड किया, हम कोशिश कर रहे थे आगे जाने के लिए, आपका क्या लास्ट गांव की तरफ, लेकिन पता लगा उस समय सारी रोड्स वगैरह बंद हैं। पेंगोंग जाने का मन किया तो उस समय भी बंद था, सोमोरिटी जाने का मन किया तो उन लोगों ने बोला कि भैया हम आपको बाइक रेंटल वगैरह यहाँ पर देंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी वो अच्छे, मतलब कि रास्ते इतने ख़राब हैं कि अगर मान लीजिए कुछ आपको हो जाता है, बाइक को हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ की। तो हमने लास्ट में यही डिसाइड किया कि हम लेह में रुक जाते हैं। तो अंकल के साथ हम 1-2 दिन और रुके, उसके बाद हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी और हम दिल्ली वापस आ गए। अब अंत में इस टोटल काम को करने के लिए जो हमारा खर्चा, लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भाई आपको पैसे कितने लगे हैं, तो सच बताऊं दोस्त, सारा का सारा काम करने, पंजीरी और खाने का आइटम अगर हटा देते हैं, जो कि हम दिल्ली से लेके गए थे, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमारा करने का खर्चा सोलो, 10 दिन का जो हम रह के आए, जिसमें हमारा फ्लाइट्स के और खाने का सारा कुछ इंक्लूडेड था, ये सिर्फ हमारा 12,000 रुपये के अंदर में हो गया था। जी हाँ, 12,000 रुपये। नहीं तो अगर आप इसी चीज़ को अगर किसी एजेंसी के थ्रू करते हैं, तो एजेंसी आपसे 25,000 रुपये लेगी, 5-7,000 रुपये आपके फ्लाइट के लग जाएंगे, और उसके बाद आपका वहाँ पर रहने का खर्चा अलग है, ठीक है, आपका जो मैंने बताया वाइल्ड लाइफ फ़ी, उसका खर्चा अलग है। तो ऐसे करते कराते कई एजेंसियाँ जो हैं आपका पूरा बजट बना देती हैं 40,000-45,000 रुपये का। हाँ भाई, तो वीडियो के एंड में हमारी प्रो टिप, आपने ये सारे काम कर लिए हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया, अपनी सारी अपनी बैकपैकिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी है, सारा सामान रख लिया है, सब कुछ कर लिया है, भाई साहब एक काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आप कर लीजिए। वो क्या है? अपने गियर्स को टेस्ट करना। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको जो है फिज़िकली किसी न किसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा। कैसी लोकेशन पर? तो जैसे कि आप चादर ट्रैक कर रहे हैं, तो चादर का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में जाता है, तो आपको भी ऐसा ही कोई एक छोटा मोटा ट्रैक करना होगा जहां पर आप अपने गियर्स को टेस्ट कर सको। अब जैसे
मैंने किया था केदारकंठा ट्रैक, जो कि तकरीबन 31 दिसंबर को 2017 को मैंने किया था, और 36 घंटे के अंदर में मैंने इसे डबल समिट मारा था। यानी कि बेस से स्टार्ट करने के 36 घंटे में हमने दो समिट मारी थी, एक इवनिंग समिट मारी थी और नेक्स्ट से हमने अर्ली मॉर्निंग समिट मारी थी। दिस इज 5:24 PM, सो आई जस्ट लेफ्ट द एडवांस बेस कैंप एंड हेडिंग टुवर्ड्स माय फर्स्ट समिट। ये आप कर सकते हैं, अपने गियर्स को टेस्ट करना, अपने जैसे स्लीपिंग बैग को टेस्ट करना, अपने टेंट को टेस्ट करना, अपने जैकेट्स वगैरह को टेस्ट करना और खुद को टेस्ट करना कि भाई अगर आप ये सारा लेके जा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, हैं? तो आपको उसी हिसाब से कपड़े पैक करने होंगे। अब जैसा मैं अपना वो लेके गया था, स्लीपिंग बैग लेके गया था केदारकंठ पे, तो बाद में जाने के बाद मेरे को पता लगा कि भाई जो मेरा स्लीपिंग बैग है वहाँ तक तो काम में आ गया, लेकिन मेरे को और भी कपड़े चाहिए होंगे इसके साथ, इसीलिए मैंने फ्लीस लाइनर खरीदा था। अच्छा, साथ साथ मैंने एक पतला वाला कंबल मिलता है सरोजनी नगर वगैरह में, हल्का सा फ्लीस वाला, वो भी मैंने रखा था, शायद मैं आपको पहले नहीं बता पाया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आप एक बार इन सब चीज़ों को एक बार टेस्ट कर लीजिए, अपने शूज़ को टेस्ट कर लीजिए, सारा कुछ टेस्ट कर लीजिए, तब आपको पता रहेगा हाँ भाई आप जब जाने वाले हैं तो आप ये चीज़ करके वापस आइएगा। मतलब कि आप बेसिक चीज़ों के पीछे तो कम से कम आपका टाइम खराब नहीं होगा। ये थी जानकारी हमारी जो है काफ़ी समय से हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे चादर ट्रैक के बारे में। तो ये जो थी सारी जानकारी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, हो सकता है आपके काम में आ जाए, और नहीं भी है तो किसी के साथ शेयर करना है तो ठीक है भाई, बाकी तो राम रखा। तो जो भी भाई लोग दोस्त जो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं चादर 2023 में, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के कुछ ना कुछ काम में आ जाए। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट होइए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे raj.wanderingsoul, वहाँ पर भी आप हमें डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी कोई शाखा नहीं है तो एक अकेला मैं ही आदमी हूँ जो कि रिप्लाई करता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक नए और शानदार से वीडियो में। तब तक दोस्त मेरे, आप एक काम करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जिंदगी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।